पॉइंट ये है मेरा कहने का कि आप देखो 2020 का क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपको उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट स्टैटिक से है, थ्योरी बेस्ड है, बट उसमें अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, आप उस आंसर को नहीं कर पाओगे। मतलब डेफिनेशन बेस्ड तो भूल जाओ। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम सिविल स्टेट। हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप यू आर ऑल हैविंग फन, सेफ हो सब के सब, अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, अब 2020 तो खत्म हो चुका है, 21 में हम 10 दिन हो चुके हैं जनवरी में। प्रीलिम्स के लिए आप लोग सब परेशान हो, मुझे पता है। हम लोगों के पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स 2021 विद जस्ट 6 मंथ्स इन हैंड, या फिर स्टैटिक कैसे करना है, करंट कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कब से देनी है, क्या करना है। सो विद दीज प्रेसिंग इश्यूज टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन विद सुधांशु सर। सो इन सब चीज़ों पे बातें करेंगे हम, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग आस्पेक्ट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब पे बातें करेंगे। तो पहले तो हम वेलकम करते हैं सुधांशु सर को। गाइज प्लीज वेलकम सुधांशु सर। हाय अतुल, हेलो गाइज। सुधांशु, अब 2021 आ चुका है, ठीक है, 27 जून को एग्जाम है। Yes. And a lot of students have reached out to me. आपसे भी पूछा होगा कि how to prepare for UPSC prelims 2021 with just 6 months in their hands. कैसे होगा, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ आप ये बताओ कि बस 6 महीने बचे, कैसे करना है। See Atul, first and foremost, I should ask you as well to talk to your students and tell them that 6 महीना कोई issue नहीं है अभी, right? Those who are listening to this, 6 months are more than enough for one to prepare, given they are following a particular trajectory, they are following a guidance, they are following a particular path or directed path in their preparation process. 6 months are more than enough for one to begin if they're beginning with serious indulgence and involvement in this. So, अच्छा, तो आप कह रहे हो कि टाइम इज अ नॉन इश्यू फॉर नाउ। यस, ओके, अभी मत सोचो इसके बारे में। बिल्कुल, मार्च होता तो सोचते। तो लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन, राइट? तो टाइम हटा देते हैं। यस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर पीपल हु आर या तो अभी स्टार्ट कर रहे, 2-3 अटेम्प्ट दे दिए, ऑलरेडी इन सर्विस है, अगर कोई अभी से कर रहे, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या होगा? सी, एज अ पहला स्टेप मैं बोलूंगा फॉर एनीबडी, दोज हु आर आइदर हैविंग कपल ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अपीयरिंग फॉर दिस एग्जाम, देन देयर आर सम दोज हु जस्ट अपीयर लास्ट ईयर, 2020 का ही दिया उन्होंने, एंड देन देयर आर दोज हु आर गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ फ्लेजलिंग्स इनटू दिस प्रोसेस, अभी आ रहे हैं वो। हाँ, तो इन सब के लिए पहला स्टेप रहेगा, पेपर लो पिछले 4-5 साल का, 4-5 ईयर्स का, देखो यूपीएससी ने किस तरह से अपने आप को इवॉल्व किया है। Within these 5 years itself, I would not want to draw your attention back to 10 years, जहाँ से उन्होंने CSAT era में लेके आए थे। उस समय तो simple question पूछते थे वो NCERT किताबों से, this guy's unemployment क्या है, 2013 का question है, right? I mean this way they have BCBS किस industry से related, banking, मतलब all these way. अभी के लिए क्या हो गया है कि they have asked questions which are pretty much in tune with what is happening in the contemporary world and then what you have read in static. दोनों का मिक्स है, एक बहुत ही फाइन बैलेंस है। सो एज एन अंडरस्टैंडिंग दे शुड लुक एट प्रीवियस ईयर पेपर्स टू बिगिन विथ। ओके, सो प्रीवियस ईयर पेपर से पहली चीज आई थिंक पता चलेगी, लर्निंग्स फ्रॉम यूपीएससी, राइट? यस, एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कैंडिडेट, राइट? सो प्लीज आप थोड़ा सा मुझे और हमारे स्टूडेंट्स को जो हमें देख रहे हैं, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन द लर्निंग्स, द काइंड ऑफ लर्निंग्स दैट दे आर गोइंग टू गेट From the previous year papers, और दूसरा क्या expectation है UPSC की अभी और 2021 में क्या होगी? See, I mean actually there are 2-3 questions, but I'll start with the first one कि उनकी learning से क्या उनको मिलने वाला है, right? Previous year's questions हैं या इस साल का जो question है, 2017 बड़ा ही अलग सा question paper आया था, then 2020 में भी एक trend setter लग रहा है लोगों को। It is, they are saying watershed की तरह। Watershed है। तो point ये है मेरा कहने का कि आप देखो 2020 का question paper उठाओ, आपको उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट स्टैटिक से है, थ्योरी बेस्ड है, बट उसमें अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, आप उस आंसर को नहीं कर पाओगे। मतलब डेफिनेशन बेस्ड तो भूल जाओ। अभी जैसे मनी मल्टीप्लायर का एक क्वेश्चन था, वहां पूरे क्वेश्चन में उन्होंने कहीं मनी मल्टीप्लायर लिखा नहीं, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड पूरा। अगर आपको मनी मल्टीप्लायर का डेफिनेशन पता है, 1/ रिजर्व रेशियो,
राइट right? वन आपको पता है तभी आप उसको कर पाओगे वो सवाल को आप एक्चुअली पता कर पाओगे क्या बोलना चाह रहे हैं. नाउ पॉइंट इज सिमिलरली यू सी अनदर क्वेश्चन व्हिच वाज ऑन टू डिफरेंट इज़म्स गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म के ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सो आपके कहीं डायनामिक नहीं है कोई करंट अफेयर नहीं है. एक समय था यूपीएससी टोटली रिलाई करती थी टेक्स्ट बुक पे. एक समय आया यूपीएससी ने सबको धकेल दिया करंट अफेयर बेस पे. अभी का समय है आप करंट अफेयर और स्टैटिक के बीच में नहीं आपको देखना पड़ेगा यू आर वट एवर यू आर स्टडिंग यू आर क्रिएटिंग दैट इन्फॉर्मेशन पिलर फॉर योरसेल्फ. सो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के मिलेगा इस साल का पेपर देख के मिलेगा. लेकिन एक चीज और भी पता चली जैसे क्वेश्चन आया था एलिफेंट पे एलिफेंट पे जो लोग अब तक 2020 से पहले जो प्रिपेयर कर रहे थे उन लोगों को आदत पड़ी हुई थी कि एलिफेंट पे सबको पता था क्वेश्चन आएगा एलिफेंट पे बिकॉज इट वॉज सच ह्यूज इशू सेंटीमेंट ऑफ एंटायर कंट्री राइट. सो सबको पता एलिफेंट पे क्वेश्चन आएगा एंड दे वर प्रिपेयरिंग कि या तो एलिफेंट रिजर्व पे आ जाएगा सेंसस पे आ जाएगा या स्पीशीज पे आ जाएगा. यस बट यूपीएससी ने 2020 में दिखा दिया कि हम भाई इवॉल्व कर रहे हैं हम देख रहे हैं आपको आप क्या कर रहे हो. yes. और उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा बिकॉज दैट एलिफेंट वॉज फीमेल राइट. सो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया उसका जेस्टेशन पीरियड उसका कार्विंग पीरियड राइट. सो इस तरह की चीजों के लिए पहले तो कम्युनिटी बिहेवियर के ऊपर कौन लीड करता है ग्रुप का राइट. सो ऐसे वाले इस तरह के क्वेश्चन मैं एक 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 आपको एक थोड़ा सा इंक्लिंग बताता हूँ इसमें. ये क्वेश्चन जो कौन लीड करता है वाला ये इनडायरेक्टली आप इन्फर कर सकते हो. आज के वक्त में अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन है व्हाट इज द सेंसस जो होता है एलिफेंट का उसका नंबर आपको पता है आप अंदाजा लगा सकते हैं. आज के वक्त में ऑल ओवर इंडिया में केवल 2500 टस्कर्स है यानी मेल एलिफेंट है. तो अगर मेल एलिफेंट लीड करता है हर ग्रुप को तो इसका मतलब 2500 ग्रुप होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में विच इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू. हमारे यहाँ बहुत सारे एलिफेंट ग्रुप्स हैं. सो डेफिनेटली मेल टस्कर तो लीड नहीं करते होंगे. दैट वॉज एन एलिमिनेटर यू कुड हैव यूज दैट इन्फॉर्मेशन. बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि यू शुड नॉट रिलाई ऑन एनी क्योर्स अपने आंसर्स को पाने के लिए. अनदर थिंग इज हमें एक सिचुएशनल अवेयरनेस भी चाहिए होगी कैंडिडेट्स को राइट. उन्हें पता होना चाहिए कि ये एग्जाम जो है IFOS के लिए भी है. Yes, of right? course. So, environment and geography के question, there were around 30 questions, दोनों को मिला के. तो इसको तो वो ignore नहीं कर सकते. बिल्कुल नहीं. Agriculture. Agriculture भी कितना, लोग बोल रहे थे कि अब तो किसान का बेटा IAS बनेगा बस. Right? Pretty much logical in that sense. Okay. Maybe अब ऐसा बनेंगे. ऐसा होना चाहिए बिल्कुल. क्यों नहीं? बिल्कुल होना चाहिए. But लेकिन क्योंकि किसानी पेशा है इसलिए बनेगा ये जरूरी नहीं. So the thing is, ये वाली जो एक situational awareness है, ठीक है, और दूसरी अवेयरनेस है यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन की. तो ये तो आप कह रहे हो कि आप पेपर देखो पहले वाले, ठीक है, डिस्कस करो उनको अपने टीचर्स के साथ फ्रेंड्स के साथ. इसके बाद ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब क्या करना है? देखिए नेक्स्ट स्टेप के दौर पे जैसा आपने कहा कि आपने देख लिया क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपने, अभी नेक्स्ट स्टेप यही है कि अपनी पढ़ाई को आपको इस तरह से बनाना है सिंस यू आर इनटू दिस प्रोसेस. आपको अगले 6 महीना आप हार्डवर्क को तो इग्नोर नहीं कर पाओगे. आपको वेरी मच यू हैव टू बी इन दैट प्रिपरेशन जोन. पढ़ना पड़ेगा आपको. देन यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर चार्ट. एक गाइडेंस लेनी पड़ेगी इस चक्कर में. पढ़ना है, टेस्ट देने हैं, एनालिसिस करना है, रिवाइज करना है, ये तो स्टैंडर्ड है. ये पूरा लूप में आपको आना पड़ेगा. ये स्टैंडर्ड लूप है आपके लिए. अभी इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि किसी एक यू नो टॉपर ने 2-4 पेपर केवल दिया और टॉप कर गया. मैं बताता हूँ आपको. इसमें कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर अभिषेक सर आप 6000 क्वेश्चन किया, 6000 एमसीक्यूज करे उन्होंने. वहीं पे किसी और का आर्तिका शुक्ला का एग्जांपल देते हैं, उसने 3 महीने में 4 महीने. स्वाति शर्मा रैंक 17 राइट. उसको बोलते हैं कि वो उसने बोला है कि मैं टेस्ट लिखते नहीं देती थी. ठीक है, सो दीज आर एक्सट्रीम्स बेसिकली आई वुड से. फिर कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने लक्ष्मीकांत या पूरा सब्जेक्ट ही 2 बार पढ़ा है बस स्टैटिक पार्ट. यस, कुछ लोग हैं जिन्होंने आई थिंक एक्सट्रीम केसेस हैं 26 टाइम्स पीपल उन्होंने पढ़ा है 26 बार. यस, सो क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या सही है? लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे पास जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं दे हैव फाउंड देयर ओन वे आउट ऑफ दिस केओस राइट. यही आपको करना है, यही आपको समझना है कि ये जो पूरा आप आए हो इस एग्जाम के प्रोसेस में, आपको इसमें से कैसे अपनी पहचान बनाएंगे, अपना तरीका बनाना है आपको. आप किसी और के वीकनेस और स्ट्रेंथ का फोटोकॉपी तो नहीं हो राइट, कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जैसी थी वैसे ही आपकी है और जैसा वो पाथ फॉलो किया आप फॉलो कर लोगे निकल जाओगे. आपको एक यूनिक गाइडेंस प्रोग्राम के तहत अपने आप को डिजाइन करना पड़ेगा. मैं जब गाइडेंस प्रोग्राम की बात करता हूं, मैं ये अपने आप पर अप्लाई करने वाला प्रोसेस है जो मैं आपको कह रहा हूं राइट. आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये आपके जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये थोड़ा ट्रिकी लगेगा. आपको लगेगा कि कैसे मैं अपनी स्ट्रेंथ और गाइडेंस को लेकर अपने एग्जाम के लिए. लेकिन जब एक बार आप इस प्रोसेस में आ जाते हो ना, उसके बाद आपको पता चलता है हाउ इजी दिस वाज रादर देन कॉपिंग समबडी एल्स.
So a blind ape here would do bad than self-aware ape. In this case, I would rather say. So do you mean to say ki bas padhna aur test dena ya apna jo effort lagana wahi kafi nahi hai, wo ek direction mein hona chahiye, particular direction mein. तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अग्री करेंगे, उनको लगता है कि डिजर्विंग है, उनके दोस्त के क्लियर हो जाता है, उनका नहीं होता. करेक्ट. ठीक है, तो ये वाला जो पाथ है ना, इफेक्टिव पाथ, वो उनको कैसे मिलेगा? देखिए, ये तो एक पाथ, एक इशू उसमें गाइडेंस का आता है जैसे. सो जहाँ तक बात आती है गाइडेंस की, टू बी वेरी फेयर, बहुत लोगों को ये नहीं मिल पाती है, एंड देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्वड एज वेल. एक्चुअली ये जेन्युइन इशू भी है. इश्यूज हैं. सो हमारे पास हैबिटेट पे फ्री नो सेशंस चलते हैं, वेयर वी हैव आवर मेंटर्स वेरी एक्टिव. अंजुम सर इज देयर, इशिका मैडम है वहाँ पे, देन रवि है, अमित हैं. सो दे आर ऑल वेरी एक्टिव एंड प्लेइंग देयर रोल विद रिस्पेक्ट टू हेल्पिंग दीज स्टूडेंट, दोज हु आर एक्चुअली यू नो फेसिंग दिस गाइडेंस इशू और डायरेक्शन इशू. So they can come and directly engage with these mentors over there. Yeah, even we provide free mentorship call bhi hai. Yes, mentorship call. आके वो अपनी request raise कर सकते हैं. Please, आप सबको जिसको लगता है कि guidance की जरा सा भी कुछ भी issue आ रहा है, पूछना है, habitat पे आओ, ठीक है, और वहाँ पे सीधा tag करो, मुझे tag कर लो, बात करो हमसे, वहाँ पे रोज सेशन होते हैं, सेशन अटेंड करो, फ्री सेशंस हो रहे हैं, फ्री सेशंस. दिस माइट एक्चुअली अपीयर अ सेल पिच, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली. हमारी तरफ से ये जो सर्विस है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन ऑल कम एंड एंगेज डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, यू एक्चुअली गेट योर सोल्यूशन. To understand this better, you have to actually understand what your strengths are. And this is what you get there. Sudhanshu, abhi prelims ke liye jo 2021 prelims, उसके भी कुछ सेशंस हो रहे हैं हमारे यहाँ, है ना? हाँ हाँ, डेसिमेट प्रीलिम्स के हमारे जो प्रिपरेटरी सेशंस हैं, वो ऑलरेडी चल रहे हैं हमारे यहाँ पे. आवर अंजुम का चल रहा है. हाँ, आवर मेंटर्स आर ऑलरेडी टेकिंग सच सेशंस ओवर देयर. हमारे ख्याल से 3 या 4 सेशंस डेली चल रहे हैं. बिल्कुल. इनफैक्ट डेसिमेट हमारा यू नो दिस मिड दिस मंथ जनवरी से इस बार पूरा डेसिमेट हम हैबिटेट पे हो रहा है. पूरा हैबिटेट पे होगा डेसिमेट प्रीलिम्स हमारा. स्टूडेंट्स इन सबको पता भी होगा, फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रीलिम्स के लिए. प्लीज उसमें क्या क्या हो रहा है सी फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट पे जो हमारा डेसिमेट लेके हम आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो आपको ओपन टेस्ट होंगे ऑल इंडिया लेवल पे, जहां पर आपको पता चलेगा बेसिकली दैट डेटम लाइन आई टॉक्ड अबाउट. मैंने कहा था ना कि आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा. सो आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू प्रीवियस 4-5 ईयर्स पेपर्स को, आप आते हो उसके बाद अपना एग्जाम देते हो. ये एग्जाम देके आपकी अपनी जो लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन है आप उसको चेक कर लेते हो. आपको जो अपना डेटम पता चलता है, आपका बेस पता चलता है, आपकी रैंकिंग ऑल इंडिया क्या है पता चलती है, तब आपको एक सेल्फ अवेयरनेस होती है कि ठीक है मुझे ये प्रोसेस में जाना है. वहां मेंटर्स हैं, आप उनसे बात करके अपनी इश्यूज को डिस्कस कर सकते हो, डायरेक्शन ले सकते हो वहां से. सो इफ आई हैव टू कम टू द स्पेसिफिक्स ऑफ डेसिमेट प्रीलिम्स 2021, हम इसको 3 अलग-अलग फेजेस में कर रहे हैं. नाउ द फर्स्ट फेज हैज दिस 50 डेज प्रोग्राम, जिसमें अप्रॉक्सिमेट 7 वीक्स लगेंगे. इसमें हम हर एक सब्जेक्ट के जो पिछले 1.5 ईयर के जो करंट अफेयर हैं उनको एसोसिएटेड स्टैटिक के साथ, यानी कन्वेंशन के साथ आपको ट्रेन करेंगे. उस करंट एंड स्टैटिक Associated statics, very important. बिल्कुल, yes. Great. तो आपने ये अगले 7 वीक्स में आपको पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर मिला. इसकी मिनी टेस्ट होते हैं, आपको डिस्कशंस होंगे दिन में दो बार डिस्कशंस होंगे आपके. आपको टेस्ट किया जाएगा कि आपने सुबह जो पढ़ा वो कैसा आपने पढ़ा, कैसा आपने अपीयर किया, उसमें आपको टेस्ट में आपको पता चल जाएगा इफ यू वेदर यू आर एबल टू आंसर क्वेश्चंस और नॉट. देन पूरे दिन की जो समरी है वो आपको मिलेगी. एक माइंड मैप भी हम आपको देंगे. सो 50 दिन का माइंड मैप विद सो मेनी इश्यूज यू आर कवरिंग इन ऑल द सब्जेक्ट्स, बेसिकली 50 दिन का हमारा पार्ट है. और डेली क्लासेस होनी है, डेली क्लासेस होंगी इसके लिए. सेकेंड पार्ट, इनफैक्ट हम इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट के लिए एक पूरा वीक डेडिकेट कर रहे हैं. सो सिंस हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट और ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये सारी कवर होंगी इसमें. हाँ, नाउ सेकेंड जो हमारा फेज है ये लगभग 2 महीने का है. ओके, राइट. इस 2 महीने के अंदर आप जो मिनी टेस्ट इतने सारे देते हुए आ रहे हो, ये सारे मिनी टेस्ट को आप अपने डाउट्स क्रिएट होंगे आपके, आप वहां भी डिस्कस कर सकते हो, बाद में क्रिएट होते. तो आप इस 2 महीने के अंतराल में आप पूछ सकते हो कि आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं, प्लस FLTs होंगे, वो FLTs आप डिस्कस करते हो वहाँ पे. हमारा एक तिकड़म प्रोग्राम आता है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन लेवल केवल मैटर नहीं करती कितनी है, कहीं कहीं आपको थोड़ा स्मार्टली एड्रेस करना पड़ता है करंट प्रॉब्लम एट हैंड. उस सिचुएशन को कैसे आप बाहर निकालोगे, इसमें भी आपको हम हेल्प करेंगे. सो तिकड़म प्रोग्राम इज बेसिकली डेडिकेटेड वेल नोन प्रोग्राम फॉर दैट मैटर. नाउ फाइनल हमारा 1 महीना, बिकॉज हम ये शुरू कर रहे हैं, तो इट द फर्स्ट फेज विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of Feb एंड देन गो मिड मार्च तक, देन अप्रैल और मई में हमारा ये सेशन चलने वाला है. सेकंड फेज जो लास्ट फेज है इसका, लास्ट लेग जो है वो अप्रॉक्सिमेटली 20 डेज का होगा, जिसमें हम आपको 300
300 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स अलॉन्ग विद सर्टेन क्वेश्चंस लिस्टिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे. So, लेकिन खास बात यह है ये सारी चीजें इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से कराई जाएंगी कि आपको हैबिटेट पे आके ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं कि आप किससे पूछें. आपको वहां पर हेल्प मौजूद है, आप डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं और फाइनली यू गेट द डे का जो कॉन्क्रीट आउटपुट है वो भी आपको मिलता है. सो इन ऑल मतलब अभी किसी को अगर 2021 के लिए प्रिपेयर करना है तो यही कर रहे हैं लर्निंग जो कि अभी से लगभग 50 दिन या 1.5 महीना बोल लो या 2 महीना बोल लो राइट लर्न करना है, टेस्ट देने हैं, असेसमेंट करना है उनका. यस तीसरा पार्ट है साथ में रिवाइज करना है और तीसरा पार्ट है जो प्रोबेबल क्वेश्चंस लिस्ट जो रिवाइज करना है वो फिनिशिंग टच अप कैसे फिनिशिंग टच राइट. सो ब्रॉडली यही करना है जो कि सब डिसिमेट में होने वाला है. yes. ऐसा ही है. ठीक है तो ये तो हो गया, ये हम चलता रहता है. ये अभी डिसिमेट का जो क्लासेस हो रही है रेगुलरली आजकल चल रही है, डिसिमेट की हमारी सेशंस चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके एंगेज कर सकते हैं. बट फॉर दैट मैटर फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो ऑन द वेबसाइट हैबिटेट के पोर्टल पे जाइए जो आपको सिविल्स डेली की वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड गेट योरसेल्फ एन अकाउंट. आप वहां पर एंगेज कर सकते हैं स्टार्टिंग टुडे. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वन शुड डू. तो ठीक है अब सुधांशु अब क्या करना चाहिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है एकदम लॉजिकल कोरोलरी की तरह. देखिए लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप दो हैं. एक स्टेप ये है कि आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर द ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. 3 टेस्ट होंगे, 2 जनवरी में 1 फेब में. पहला टेस्ट 17th of January को होने वाला है, दूसरा 23rd of January को होगा. आप अगर इस परीक्षा को दोगे, इस टेस्ट को अपीयर करोगे तो आपको पता चलेगा यू स्टैंड. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट व्हेन आई टॉक्ड अबाउट व्हेन आई सेड कि आपको करना क्या है. आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा था सो ओपन टेस्ट के लिए रजिस्टर करो. दूसरा आप हैबिटेट पे आओ, वहां पर अपने अकाउंट को खोलो और देन यू सी द मैजिक ऑफ इंटरेक्टिंग विथ एंड एंगेजिंग विथ सो मेनी सीरियस स्टूडेंट दोज हू आर इंटरेक्टिंग एंड एंगेजिंग विद आवर मेंटर्स ऑन एवरी सिंगल डे. आपको वहां पर दिखाई देगा. सो फर्स्ट स्टेप इज टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड फॉर द टेस्ट एंड सेकंड इज टू कम ऑन हैबिटेट एंड सी द मैजिक ऑफ एंगेजमेंट. सो गाइस सम अप करते हैं. ठीक है पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको ओपन टेस्ट में रजिस्टर करना है जिसका लिंक कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. दूसरा आपको करना है हैबिटेट पे रजिस्टर. कहाँ से करना है, उसका सिविल्स डेली पे जाओ, वेबसाइट पे civilsdaily.com पे लेफ्ट साइड में कॉलम है, वहां पे आपको नीचे जाओ, स्क्रॉल करो, मीट एट हैबिटेट. तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दे रखा है, बहुत आसान है, ज्वाइन करो एंड मीट अस एट हैबिटेट. थैंक यू. सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम सिविल्स डेली.